नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ चावल और सूजी से बनी इतनी सॉफ्ट स्पॉन्जी और मसालेदार नाश्ते की रेसिपी। इसमें स्पॉन्ज जैसा लचीलापन और ना ही बेक करने की झंझट ना फ्राई करने की, सिर्फ 10 मिनट के स्टीम पे ये तैयार होती है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल के ऑल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आप किसी भी कप या कटोरी को सेट कर लें और उसी से सारे मेजरमेंट करें। मैंने इस कटोरी से एक कटोरी चावल रात में भिगो कर रख दिया था। आप कोई भी चावल ले सकते हो, घर पे जो भी चावल यूज़ करते हो, और सुबह पानी झराकर उसी चावल को मैं ग्राइंडर जार में ले रही हूँ। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ उसी कटोरी से एक कटोरी दही। दही आप मार्केट वाली दही या फिर घर पर जमाई हुई दही, कोई भी दही ले सकते हो। दही में पानी ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आगे हमें पानी भी ऐड करना है। और यहाँ पर जाएगी एक कटोरी सूजी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मोटी सूजी या फिर बारीक वाली सूजी, कोई भी सूजी आप ले सकते हो। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लिया हमने, देखिए अभी ये बहुत ही मोटी है तो हमें पानी ऐड करना है। तो उसी कटोरी से मैं एक कटोरी पानी ले रही हूँ, आधा कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ और बाकी बचा ले रही हूँ। चम्मच से इस बैटर को थोड़ा ऊपर नीचे कर ले तो अच्छे से चर्न होगी। मैं सारे प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आप कोई मुश्किल में ना पड़े। चर्न करने के बाद यहाँ पे ये बैटर रेडी है, देखिए। अब इस बैटर को हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और बोल में जो पानी हमने बचा लिया था उसी पानी को मिक्सर जार में डालकर इस जार में जो लगी हुई बैटर है उसे भी धोकर इस बोल में ऐड करते हैं। अब इस बैटर को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि सूजी है तो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगी। 10 मिनट के बाद ये बैटर थोड़ा थिक हो चुकी है। अब इसे स्पाइसी और चटपटी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट, थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दें, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार खाने वाला नमक, और थोड़ा काला नमक भी ऐड करें, हल्का सा चीनी ऐड करें, और ये जाएगी एक चम्मच चाट मसाला। तो ऐसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन सारे स्वाद के मिश्रण से एक चटपटी से बैटर तैयार हो गई। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बैटर का स्वाद और भी थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी तेल गर्म करके जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगा रही हूँ। ऐसे कड़ी पत्ता का फ्लेवर भी इस बैटर में मिक्स हो जाएगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अब ओवन में एक बड़े से पतीले में स्टीम के लिए पानी बैठा लेना है। उसके ऊपर छन्नी रख दे और एक गहराई वाली थाली ले, उसे ऑयल से ग्रीस कर ले। थाली ऐसा ले जो कि पतीले में फिट आए। और अब यहाँ पे मैं एक इनो का सैचे ले रही हूँ, इसे मैं बैटर में ऐड कर रही हूँ। इनो इंस्टेंट फर्मेंट करेगी। आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि पानी जब बिल्कुल बॉयल होने लगे तभी आप बैटर में इनो ऐड करो, और चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हल्का मिक्स करना है। आप देख रहे हो कि इनो ऐड करते ही कैसे इंस्टेंट फूल गई और पहले से दुगना क्वान्टिटी में हो गई है। अब बिल्कुल भी लेट ना करें और तुरंत इस बैटर को ग्रीस्ड प्लेट में ट्रांसफ़र करें। प्लेट को हल्का सा टैप करें ताकि बैटर इवनली स्प्रेड हो जाए। और ऊपर से फटाफट से स्प्रेड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप अगर तीखा ना बनाना चाहते हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रेड करें, इससे तीखा नहीं होगी और इसकी लुक भी बहुत बढ़िया आएगी। और इसे फटाफट से स्टीम होने के लिए बैठा दें और ऊपर से ऐसी थाली से कवर करें जो कि उस पतीले की ही माप की हो। 10 मिनट स्टीम होने दें, उसके बाद चेक करें एक टूथपिक से। देखिए टूथपिक मेरी बिल्कुल क्लियर निकली है, यानी अच्छे से ये स्टीम हो चुकी है। अब इसे स्टीम से निकाल लें और एक बास्केट से ढककर बिल्कुल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद एक चाकू से साइड से स्क्रैप कर लें और मनचाहे शेप में इसे कट करें। बहुत ही स्मूथली कट होती है। मैं इसे 8 पीसेस में ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल है। इसे प्रेस करने के बाद मैं जो छोड़ रही हूँ तो बिल्कुल भी स्क्वीज नहीं हो रही है, अपने ही शेप में वापस आ जा रही है। इस नाश्ते को आप नारियल चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही यम्मी लगेगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और ऑल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।